यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। बांगरमऊ विधानसभा में लगातार मतदान जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। केनोस संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, आपको दिखा देते हैं। हम इस समय बांगरमऊ के सुभाष इंटर कॉलेज जो कि पोलिंग बूथ है उसमें खड़े हुए, लगभग इस पोलिंग स्टेशन पे 8 बूथों को बनाया गया है। लगातार यहां पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आपको बता दें उन्नाव के जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी लगातार हर पोलिंग बूथ पर जा करके सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ में ही CRPF यूपी पुलिस को मिक्सर करके हर एक पोलिंग बूथ पर लगाया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए और कोविड के प्रोटोकॉल के नियम की बात की जाए तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हमारे जस्ट पीछे लगातार मतदान करने वाले मतदान कर्मियों का थर्मल स्कैनिंग, मास्क लगा कर के ही एंट्री दी जा रही है, साथ में ही लगातार थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 22.24% रहा है। वहीं अगर आधिकारिक रूप से बात की जाए, यह आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि मतदान लगभग 70% से प्लस में रहेगा। अगर मतदान प्रतिशत 70% से ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस उपचुनाव में साफ तौर पे बांगरमऊ में फायदा दिखता नज़र आ रहा है। राहुल अवस्थी, K News, उन्नाव।